दिस इज़ द एलेक्स हार्टटॉप विच आई एम गोइंग टू ड्राइव राइट नाउ। एज ऑलवेज हम बेचारे लास्ट प्रायोरिटी पर आ जाते हैं, फिर अंधेरा होने वाला। टड़ा, ये होती है कार। ठीक है, यहाँ पे ये कंट्रोल है, इसको कंट्रोल करने वाला। अभी अभी बंदा, ये हमारे एग्जीक्यूटिव हैं दादा महिंद्रा से। ये लाइट, ये ऊपर स्पीकर चार। दिस इज अ फुली लोडेड व्हीकल। कंफर्टेबली बैठे हो? हाँ जी। ठीक है बिल्कुल। सिर्फ अगले अगले आप भी बैठ जाओ सर। देखो आप आपस में तो नहीं, आपके मोटे गोटे तो नहीं कुछ? नहीं, गोटे नहीं, जगह है उधर साइड पे। कुछ जगह है क्या कुछ लगाने की रखने की? सिंपल है ना, प्लेन ही है ना। लगता है प्रॉपर हार्ट टॉप है मैम, है ना। आप भी तीसरा तीसरा बैठ जाओ, एक मिनट। ठीक है, ज्यादा टाइट नहीं मैम, ये पीछे कर दो पूरी। ठीक है, ज्यादा टाइट नहीं है। हाँ ज्यादा, मेरे को तो टाइट भी, मेरे को तो टाइट भी नहीं लग रहे। आप भी लाते खुली आराम से, कंफर्टेबल हो आप? ठीक है, मतलब लॉन्ग रूट से थोड़ा फलक पर उतना नॉर्मल है, इतना नहीं है। ठीक है सर, मान लो तो सामने वाला छुट्टी जाना ना, इतना भी आप कंफर्टेबली बैठ सकते। क्या बात है, ये कंट्रोल्स बड़े जबरदस्त हैं। मेरे को मिनी कूपर याद आ गई, पेन ड्राइव लगी। टाइप के लिए कोई और है? हां जी हां जी हां जी, आ जा। ये मेरा हीरो वर्ष टच स्क्रीन सिस्टम, यहाँ पे क्रोम वेंट्स, सॉरी क्रोम उसके ऊपर इंसर्ट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर सारे बटन आ गए। ये है टॉप मॉडल का मजा होता है ना, खाली खाली नहीं लगते बटन। क्या बात है, हिल असिस्ट। चलो, सो वी आर गोइंग टू ड्राइव। हेलो, सो फाइनली मैं थार में आ गया हूँ, एंड दिस फील्स वेरी 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 गुड लुकिंग एंड टोटली मैच्योर व्हीकल। एक बार भी ये नहीं लग रहा कि हम एक मतलब किसी ऑफ रोड कार में बैठे हैं या कोई ऐसी व्हीकल में बैठे हैं जो सिर्फ प्रैक्टिकल पर्पजेस के लिए बनी है, जिसकी सिर्फ टफनेस चाहिए। दिस लुक्स अ प्रॉपर अर्बन कार विच इज़ वेरी गुड। ये बीच में तो नहीं आ रहा व्यू में, तो अंदर घुसते ही मेरे को कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मैं एक अब ठीक है अंदर घुसते मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि यार इसमें चीजें मिसिंग है। ये कंसोल भरा हुआ है, साइड वाले जितने बटन हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकली मैं कंट्रोल कर सकता हूँ शीशे को। दिस इज मूविंग। सामने वाला डिजिटल डायल बहुत अच्छा है, काफी भरा भरा सा है। टच स्क्रीन इंटीग्रेटेड है, कुछ मुझे ये नहीं लग रहा कि मैंने जुगाड़ करके लगाई हुई है। दीज क्रोम इंसर्ट्स ऑल्सो टेल मी दैट आई एम इन अ फुल ब्लोन गुड एक्सपेंसिव कार। सबसे बड़ी बात जो इसके ये वाले बटन्स है कंसोल के, दिस लुक्स रियली अमेजिंग। ये बहुत सही है, इनका टच और प्लास्टिक बहुत ज्यादा अच्छा है। इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल, मतलब एक होता ना पुराने महिंद्रा के, फिर भी नॉर्मल थे। कार की चाबी तो नहीं पड़ी? बात नहीं, तो पिछले वाले के तो मतलब मतलब ये भी नहीं कि पुरानी महिंद्रा, जैसे मैंने एक्सयूवी लास्ट चलाई है महिंद्रा की मामू के साथ जब गया था, सो उससे भी बहुत बेटर टच एंड फील है, बहुत अच्छी फिनिशिंग है प्लास्टिक की। सो जैसे मैं कह रहा था कि मैं इसको एक थार यूजर की तरह नहीं ट्राई करने वाला, मैं ट्राई करने वाला हूँ कि अगर मैं एक क्रेटा जैसी गाड़ी चला रहा हूँ या कॉम्पैक्ट एसयूवी इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ी चला रहा हूँ और मैं एक थार पे अपग्रेड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को थार दिखने में बहुत कूल लगती है एंड आई वॉन्ट टू ओन अ थार इन माई डेली लाइफ, तो कैसे लगेगी? और ये एक बात अच्छी है कि मैंने थार कभी लाइफ में चलाई नहीं पहले, तो ऑटोमेटिकली मैं उससे कंपेयर नहीं करूंगा। वेरी रिफाइंड स्टार्टअप, बिल्कुल भी रफ नहीं। एक सेकेंड, वेरी रिफाइंड स्टार्टअप जैसे एक नॉर्मल कार का होता है, बिल्कुल भी गाड़ी रफ नहीं है। इंजन आइडल पे है, दिस इज अ डीजल, बट मेरे को बिल्कुल भी कोई रफनेस या ये नहीं फील हो रहा कि इंजन ऑन है। अंदर कोई इंजन की आवाज नहीं है, आइडल में फैन थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, वन पे ही है। अंदर कोई इंजन की आवाज नहीं है, कोई शोर नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स वेरी 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 रिफाइंड, सो दिस फील्स वेरी गुड। और नॉर्मली कन्वेंशनल गाड़ी में जहाँ पे मेरा हाथ जाता है वहाँ पे आराम से मैं शीशा कंट्रोल कर पा रहा हूँ। फोल्डेबल मिरर इसमें नहीं है, हैंड ब्रेक बहुत ईजिली पकड़ पा रहा हूँ। पावर विंडोज ऑब्वियसली सिर्फ अगले में, पीछे में विंडो भी नहीं है। बहुत कंफर्टेबल है, ये मैंने आपको बेस वेरिएंट में भी है। मैं आराम से आई एम पुटिंग इन रिवर्स गियर एंड लेट्स सी, फर्स्ट टाइम द कार इज मूविंग, मतलब मैं देख रहा हूँ सामने सेंसर्स हैं पीछे, सो दिस कार आल्सो हैज रिवर्स पार्किंग सेंसर्स व्हिच इज वेरी गुड। स्टेयरिंग थोड़ा भारी है, बहुत आराम से पीछे जा रही है। द क्लच इज ऑल्सो नॉट हैवी, इट्स ओके, टोटली ओके। गियर थोड़ा हैवी लग रहा है, नॉट ऑफकोर्स हुंडई लेवल, बट इट्स लाइक ओके।
यू कैन से स्कॉडा फॉक्सवैगन के जैसे मैनुअल होते हैं वैसे के, कोई गाड़ी में आवाज नहीं है, इंजन कोई जैसे जैसे मैं क्लच छोड़ रहा हूँ आरपीएम थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, कोई मुझे वाइब्रेशन ना फील हो रही है ना सुन रही है, सो ये बहुत बड़ी बातें हैं। आई एम फीलिंग लाइक अ टोटली कंफर्टेबल कन्वेंशनल कार। हाँ जी सर, रीडिंग है सर 911 सर, शेरपुर चौक से वापसी देंगे हम। ठीक है सर। सो इट्स अ वेरी कंफर्टेबल व्हीकल, आई होप कैमरा होता, क्योंकि आजकल कैमरा भी बहुत वो होने लग गया, बट आई थिंक वो आराम से लग सकता होगा। सी मेरे स्टैंडर्ड देखो, मैं थार में कैमरा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बाकी सब कुछ चीजें हैं। तो पहला गियर बहुत आराम से डाला, वेरी कंफर्टेबल, एक सेकंड रिवर्स ही था सॉरी, अब पहला डाला है, सो इट्स लाइक गुड इनफ, लिटिल बिट हार्ड बट स्टीयरिंग फील्स गुड, कोई वाइब्रेशन आवाज नहीं कुछ नहीं, स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड है, बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आई एम सिटिंग क्वाइट हाई। सस्पेंशन इज ऑल्सो गुड, बहुत थोड़ा सा, एक सेकेंड, दिस इज अ बिग, वेरी गुड, कोई गाड़ी में आवाज नहीं कुछ नहीं, आई कैन फील दैट देर आर स्प्रिंग्स बीनीथ मी, जो आपको पिछली थार में नहीं फील होता था, बिकॉज लास्ट थार हैड लीफ स्प्रिंग्स। तो ये सारी खराब सड़क है और मैं इसे ऐसे निकल रहा हूँ जैसे मैं एक, ओ क्या बात है, जैसे मैं एक अर्बन एसयूवी से निकल रहा हूँ, कोई फील नहीं आ रही खड्डे की या कुछ भी, कुछ आवाज नहीं आ रही और मैं बहुत आराम से खराब रास्ते से निकल रहा हूँ, जैसे एक नॉर्मल अर्बन कार होती है जिसके सॉफ्ट सस्पेंशन होती है, इट्स फीलिंग जस्ट लाइक दैट। और ये दो चार बातें बहुत जरूरी थी, क्या इसकी कटिंग रेडियस है, आई एम सो कंफर्टेबल टू मैन्यूवर दिस कार, द स्टीयरिंग इज लाइक रियली गुड, बहुत इजीली गाड़ी चल रही है, सो इट्स लाइक वेरी 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 हैप्पी टू ड्राइव कार। एसी भी काफी अच्छा है, मीठी मीठी ठंडी हवा आ रही है जैसे यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ गुड कार, नॉट लाइक कि एसी के ब्लोअर का शोर है या एसी इंजन पे जोर डाल रहा है, नथिंग लाइक दैट, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल कार। सो आई रेव इट हार्ड, ज्यादा रेव नहीं हो रही है, 2500-3000 तक जाके इट्स लाइक अपशिफ्ट, इट आस्क्स फॉर अपशिफ्ट, इट डज नॉट हैव दैट मच रेव बैंड, एक सेकंड, गियर बॉक्स में को थोड़ा आई थिंक आदत नहीं है तो इस करके आई एम इन थर्ड नाउ। इट हैज अ वेरी गुड जीप थ्रोटी नोट, बिकॉज वाइब्रेशन बॉडी में नहीं है बट इंजन की आवाज है, बट यू डोंट हैव मच रेव एरिया टू प्ले विद, बिकॉज इफ यू एक्सेलरेट मोर फिर शोर ज्यादा बढ़ता है। आई एम इन फोर्थ गियर ऑलरेडी, सो यू नीड टू अपशिफ्ट अर्ली, सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, आई एम एट 70 और मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ, साथ वाले शीशे बहुत बड़े हैं, सो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपकी दिस इज अ फुल साइज एसयूवी, दिस हैज फुल साइज एसयूवी डायमेंशंस, बट देन मेरे को पता है कि सिर्फ चार सीटें हैं, सो ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, बिकॉज माय कार इज रियली ह्यूज एंड बिग, बट बिकॉज सीट्स कम है सो मतलब शेप इसकी छोटी गाड़ियों वाली है, बट नाउ आई कैन फील कि सारी गाड़ियां दूसरी छोटी छोटी लग रही है। ओके, सो थोड़ी हाई स्पीड पर जाके जो बम्प्स हैं वो थोड़ा आपको लग सकता है कि अनसेटल कर रहे हैं कार को, द थ्रो इज गुड सर, हाईवे पे थोड़ा लेके जा सकते हैं आगे से कट मारने के लिए, सर आगे रश होएगा क्योंकि जाम है सर, क्योंकि ड्राइव्स पड़ी है सर, नहीं तो सिर्फ पहले वाले कट से कर वापस ले लेते, मेरे आगे वाला कस्टमर था नहीं टेस्ट ड्राइव के लिए, नहीं सर है वहाँ पे दो हो रहे हैं सर, सो द पिकअप इज गुड, आई एम ऑन सेकंड गियर, इट पिक्स अप गुड, द हॉर्न इज रियली गुड, मेरे को आउटसाइड नॉइसेज आ रही है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई फील, कि आप एक नॉर्मल कार में जब होते हो तो इट्स लाइक टोटली सील्ड, जैसे मुझे पता था कि मेरी गाड़ी में थोड़ी सी बाहर की आवाज आती है तो मैं उसको पीछे से जैसे सारी विंडोज बंद होती है तो इट फील लाइक अ टोटल प्राइवेट एरिया, वो इसमें नहीं फील हो रहा, बिकॉज आई थिंक देर आर सम एयर गैप्स और समवेयर जहां पे मुझे लग रहा है कि बाहर की आवाज आ रही है, जबकि शीशे दोनों बंद है बिल्कुल, स्टीयरिंग इज ऑल्सो गुड, आई कैन फील प्रीटी कंफर्टेबल विद इट। थर्ड करोगे तो थोड़े थोड़े बम्स आपको फील होते हैं, बट अदर देन दैट इट्स अ प्रीटी कॉन्फिडेंट ड्राइव,
मतलब ऐसा नहीं कि जैसे टर्बो लैग वाला सीन नहीं है, बिकॉज इट्स अ गुड इंजन, बिग इंजन पिक्स अप वेरी क्लीनली, जस्ट शिफ्ट एंड थ्रॉटल एंड इट जस्ट पिक्स अप. आई एम सिटिंग सो हाई मैन, इट्स आई फील लाइक दैट किंग ऑफ द रोड. सामने क्रेटा एंड क्रेटा फील लाइक स्मॉल हैचबैक. मुझे लग रहा है मैं क्रेटा से बहुत ऊंचा बैठा हूँ. द गियर शिफ्टिंग इज गुड, इट्स लाइक एन इजिली रोड चलने वाली गाड़ी है. एंड ऑनेस्टली आई एम सो कम्फर्टेबल, इट पिक्स अप स्पीड बहुत. मुझे थोड़ा सा आई थिंक ये मेरा इशू है कि मैं उसको सही, बिकॉज ये गाड़ी का कोई सीन नहीं है कि मैं दूसरे से पहले भिगा रहा हूँ. बट आई एम प्रीटी कम्फर्टेबल विद दिस कार. सी दैट क्रेटा, इट फील लाइक सच अ स्मॉल कार फ्रॉम हियर. आई एम सिटिंग सो हाई एंड एनी गर्ल कैन ड्राइव दिस. आपको ऑटोमेटिक के लिए लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ये ना सोचो कि यार कि मेरे को ऑटोमेटिक लेनी है क्योंकि थार तो कितनी टफ होगी मैनुअली चलाने. अगर उन्होंने ऑटोमेटिक निकाल दिया है सो इट वुड बी सो गुड. ऑनेस्टली इवन दिस मैनुअल कार इज जस्ट एज इजी टू ड्राइव एनी अदर, लाइक जस्ट लाइक एनी अदर मैनुअल. क्या बात, आई एम सिटिंग सो हाई, दिस फील लाइक सच अ स्मॉल कार. कितनी छोटी गाड़ी लग रही है. इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव. आई होप मैं हाईवे पे भगा पाता इसको, बट हम रश में ही रह गए हैं. इसके ना वो कम है, मतलब मैं ज्यादा ही वो कर रहा हूँ, बिकॉज इट्स लाइक द गियर ट्रैवल कम है. अब मेरे को रियलाइज हुआ मेरे को क्यों गलत गियर चल रहा है. मैं ज्यादा ही गियर आगे पीछे, मेरे को लग रहा है कि नहीं ज्यादा ट्रैवल है, बट बहुत इजीली ये जा रहा है. जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स. आई वांट टू टेक इट ऑन द सिक्स्थ गियर एंड सी की हाउ अ थार फील्स विद द सिक्स्थ गियर. बट इट्स गुड टू सी दैट हाउ डज इट फील इन ट्रैफिक एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज मैं इतना ऊंचा ऊंचा देखूंगा मुझे सारा नीचे दिख रहा है आराम से. फर्स्ट, सेकेंड, वेरी कंफर्टेबल पिकअप. इट गोज टिल फोर्थ, ज्यादा वाइब्रेशन नहीं है 4000 RPM पे. यू कैन इजिली ड्राइव इट रैश ऑल्सो इफ यू वॉन्ट. आई एम इन थर्ड. बॉडी रोल है थोड़ा ज्यादा, अगर आप ज्यादा कट काटने की कोशिश करो तो 3500 RPM तक यू कैन रेव इट हाई, कोई ऐसा इशू नहीं है. 60. ज्यादा ही अगर आप प्रिसाइज या हैचबैक की तरह चलाने की कोशिश करोगे तो इट शोज कि जो बॉडी है आपकी वो बिल्कुल ऐसे नहीं जैसे गाड़ी चिपक के चलती है, वैसा इसमें सीन नहीं है. मैं ज्यादा ही राइट लेफ्ट का तो आई कुड फील दैट द बॉडी टेक्स टाइम टू कम अराउंड एंड गेट सेटल्ड. आपको भी फील हो रहा होगा कि बाहर से थोड़ा थोड़ा शोर शोर जरूर आ रहा है, बट अदर देन दैट जो छोटे छोटे बम्प्स हैं जैसे मैं स्पीड पिक करता हूँ तो वो फील होता है जस्ट लाइक एनी सस्पेंशन विद अ स्टिफ सस्पेंशन. ऑब्वियसली उनको थार ये सोच के बनानी है कि ये यही कार ऑन रोड भी बहुत सही चले और यही कार ऑफ रोडिंग में भी बहुत जबरदस्त हो. एंड आई हैव सीन पीपल की जो ऑफ रोडिंग रिव्यूज उसके बहुत अच्छे दे रहे हैं. मेरे को ऑफ रोडिंग का हिल कुकड़ भी नहीं पता, आई एम टोटली अ नाइव पर्सन इन दैट, सो आई कैन नॉट गिव दैट. बट एक वो फीलिंग होती है ना, अब मेरे को पूरा बोनट दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है. दिस लाइक मतलब ये मुझे नहीं लगता आज तक किसी गाड़ी में मैंने ऐसे ड्राइव करा जिसमें मेरे को पूरा बोनट दिख रहा है. इनोवा भी इतनी छोटी लग रही है. मतलब अगर सारे बच्चे हैं छोटे छोटे. लेट्स रेव इट. फर्स्ट गियर, Still fourth, second gear. This car is so peppy, man. मुझे लगा था कि इतनी रेव हैप्पी थार भी होगी चलाने को. I'm at 90, third gear में 94 तक जा रही है. Fourth, क्या pickup है. Even the brakes are nice. मेरे को डांट पड़ेगी जो मेरे साथ बैठे हैं obviously. But this needed to be done. And I'm so happy. This is such a comfortable and confident car to drive. You can give beams to this car, man, in your normal day traffic. So if you own this Thar, आप इसको बहुत आराम से रैश चला सकते हो. This is a very big feat. आपको ज्यादा डाउनशिफ्ट करने की जरूरत नहीं है. थर्ड गियर भी आराम से 30-40 स्पीड से पिकअप कर लेता है. सो दिस इज अ वेरी गुड अर्बन क्रूजर ऑल्सो. मेरे को 100-110 तक तो कुछ फील नहीं हुआ, सो आई थिंक ये आराम से हाईवे पे बहुत भागेगी. नॉट क्या बात, दिस फील्स सो गुड. ये बीट है साथ वाली. So very good in maneuvering also. Steering में बहुत power है क्योंकि बहुत light है.
टोटली असिस्टेड, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, मेरे को गियर नहीं समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा मैं उसमें मिस मार रहा हूँ, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि एक मुश्किल एसयूवी लगा चला रहे हो जिसका स्टीयरिंग टाइट है। अब मैं कन्वेंशनली दो हाथ की लगाने की ट्राई कर रहा हूँ, बट एक्चुअली कोई जरूरत नहीं है। वेरी रेव हैवी पेपी कार टू ड्राइव, आपको पेट्रोल लेने की कोई जरूरत नहीं है ये सोच के कि यार नहीं यार पेट्रोल की ड्राइविंग शायद बेटर होगी या पेट्रोल में पिकअप ज्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। द डीजल इज वेरी रेव हैवी, वेरी पेपी, कोई टर्बो लैग वाला सीन नहीं है, इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा थ्रॉटल दो एंड इट जस्ट पिक्स अप, इट हैज दैट सी आई एम ऑन सेकंड रेस दी एंड दिस पिक्स अप, तो ये बहुत बड़ी बात है विच यू नॉर्मली मिस। सो आई फील सॉरी कि मैं ज्यादा बड़ी ड्राइव नहीं ले पाया, आई विश आई कुड हैव गॉन ऑन हाईवे, और हाईवे मैंने तो बताया था, बट काफी चीजें मुझे इसमें समझ आ गई है फ्रॉम दैट स्मॉल स्ट्रेच जहां पे मैंने इसको अच्छे से रेव करा। आई थिंक इट्स अ प्रीटी सॉलिड व्हीकल टू ओन, प्रीटी हैवी, प्रीटी गुड, और इसकी हैवीनेस इसका इंजन आराम से पिकअप कर सकता है, एंड द सीट्स आर रियली कंफर्टेबल, वेरी नाइस। आई डोंट थिंक दैट आई एम सिटिंग इन अ सब पार एसयूवी, दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट आई हैव, आई विल नॉट से लग्जरी, बट एक जीप वाला एक्सपीरियंस के हिसाब से लग्जरी इज लाइक नेक्स्ट लेवल शिट, बहुत बहुत ही, और इतनी जगह इतनी बड़ी कार, मुझे लगता है कि यार कि अगर हम सिर्फ यही स्टैंडर्ड से देखें कि हमें सबसे बड़ी कार सबसे सस्ती लेनी है, उसके हिसाब से दिस इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। मतलब आप ये छोड़ दो कि ये जीप है तो और ही सेक्सी है और ही कूल है, आप ये छोड़ दो कि यार कि ये थार है, बिकॉज ये सब भी आपस में एक ब्रांड नेम है, कि मतलब इट्स लाइक पीपल विल से यार भाई वो जीप चलाता है, भाई वो थार चलाता है, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ वो सारी चीजें भी छोड़ दो, आप ये देखो कि यार कि मैं इतने पैसों में इतनी बड़ी गाड़ी रख रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। इसकी रोड प्रेजेंस इज इजली मच मोर देन इनोवा क्रेटा एंड इजली अप टू फॉर्च्यूनर लेवल्स, और आप फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस लेने आपको 34-35 लाख खर्चने पड़ते हैं, तो उस स्टैंडर्ड में ये बहुत ही जबरदस्त व्हीकल है। सो इवन इफ यू आर अ गुड अर्निंग हस्बैंड वाइफ, आराम से मतलब आपकी वाइफ भी ये चला सकती है, और शी विल फील, मतलब कुछ लड़कियों में जैसे शौक होता है एसयूवी रखने का, मतलब उनके लिए भी बहुत ईजी टू ड्राइव है, तो इट्स लाइक बाहर से इतना रोबस्ट और माचो और चलाने को बहुत आसान, जस्ट लाइक बुलेट विद एन इलेक्ट्रिक स्टार्ट। सो टोटली आई एम ब्लोन अवे विद दिस व्हीकल, अभी मुझे ऑफ रोडिंग का कोई आइडिया नहीं है, एंड आई थिंक ये भी बहुत कंफर्टेबली बैठे पीछे, आई होप आप दोनों कंफर्टेबल होंगे आराम से, पीछे भी जो लोग बैठे वो पहले तीन बैठे वो काफी पतले थे नो डाउट, बट उससे आइडिया लगता है यार कि बहुत कंफर्टेबली आराम से बैठ सकते हैं, एंड आई थिंक ये रिक्लाइन हो जाती है जी हाँ, तो पिछली सीट रिक्लाइन होती है, सबसे बड़ी बात कि रिक्लाइन होने से काफी कंफर्ट तो वैसे ही आ जाता है, बट थाई सपोर्ट भी अच्छी है, लेग रूम बहुत अच्छा है, अब आप समझ लो इसका साइज फॉर्च्यूनर टाइप का ही है, और उसके अंदर चार सीटें घुसाई तो उनको उसमें प्रॉब्लम नहीं आई, तो और एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी बिग प्लस पॉइंट, इसके टच फील ये बिल्कुल भी मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं थे, और ये भी एक स्पिल प्रूफ स्प्लैश प्रूफ इंटीरियर है, उसके बाद भी इतना अच्छा टच होना ये बहुत बड़ी बात है, दिस इज अ वेरी गुड टू टच मटेरियल, तो ये बहुत सही फील आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें जिसमें मतलब कुछ चीजें होती है जहां पे ना कॉस्ट कॉम्प्रोमाइज मान के चलते यार कि मैं अगर थार चलाने और मेरे को तो कुछ चीजें तो और नहीं अच्छी होंगी, बट उन चीजों में भी बहुत अच्छा है। टच स्क्रीन मैंने नहीं चलाया, उसके अलावा अलग से रिव्यूज देख सकते हो लोगों की, ये चीज मेरी कोई खास नहीं है, बट नोइंगली इसमें सारे फीचर्स हैं, यही बहुत बड़ी बात। सो सी यू लेटर, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शुक्र मेरे को याद आ गया, मेरा गोल है 2020 तक 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंचने का, सो प्लीज डू दैट, एनी फीडबैक डू लेट मी नो, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर डीएम करो, मैसेज करो, कमेंट्स से जाना और रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है, डीएम करना इंस्टाग्राम पे इज लाइक वेरी इजी, उसमें पढ़ने पे रिप्लाई करने में बहुत आराम से बात कर सकते हैं, कोई भी सुझाव चाहिए कुछ भी चाहिए हो वेरी इजी टू आंसर यू ऑन दैट। सो तब तक वेरी थैंक यू, अगला टेस्ट ड्राइव वाला कस्टमर वेट कर रहा है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अ लॉट ऑफ कार्स ऑन द रोड, आई होप एक आपकी भी हो।